ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। तो आज के जो विशेष मुरली है ना, जो सैटरडे को हमने रिगार्ड के बारे में फर्स्ट पार्ट हुआ ना, सम्मान देना ही सम्मान लेना है, तो आज उसी का एक सेकंड पार्ट है। जो बाबा ने चार बातें कही, आप सबको तो पता ही होगा कि रिगार्ड माना बाप से रिगार्ड, नॉलेज से रिगार्ड, फिर स्वयं का रिगार्ड, और जो भी अन्य संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं ना उनके साथ भी रिगार्ड। और उसके बाबा ने थोड़ा और डीप में बताया, तो ये होगा फर्स्ट पार्ट। और बाबा ने आगे भी अभी पार्टियों के साथ या जो कर्नाटक वाले हैं, कैसे उर्दी करना चाहिए, और विशेष करके होली हंस, जो बाबा ने स्पेशल बात आज जो बताई ना कि व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाओ, और कमल फूल समान रहना, सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबा ने आज उसके ऊपर भी जोर दिया है, न्यारा और प्यारा, जो बाबा का बहुत ही मुझे लगता है कि सबसे फेवरेट शब्द है, न्यारा और प्यारा बनो बस। और बाबा ने कहा कि विघ्न भी आएगा, क्योंकि सभी सेवा के फील्ड में भी है ना, तो लेटेस्ट है सभी ने शिवरात्रि की भी सेवा की होगी, तो बैलेंस कैसे रखने का, क्योंकि कभी स्वयं की सेवा ज्यादा होती है, कभी सेवा ज्यादा होती है, तो कोई ना कोई प्रकार के विघ्न आता है या टेंशन आता है। तो बाबा ने आज खास बताया कि सेवा तो करते ही हो, लेकिन साथ साथ अपना भी कुछ प्लान बनाओ। इसके लिए तो देखो, हमें साकार मुरली, अव्यक्त मुरली क्यों पढ़ रहे हो, उसका मूल कारण ही है कि बैलेंस में हमें और ज्यादा मजबूती आ जाए। और लास्ट में बाबा ने कहा कि हमको क्या समझो, परवाने, परवाने का अर्थ है कि क्षमा के ऊपर फिदा हो जाने वाली, और वही बाबा ने आज विशेष बात बता दी थी। तो भले मुरली आज की छोटी है, लेकिन थोड़ा और हम गहराई से उसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्योंकि इसका मूल आधार जो है ना मुरली का, तो भले मुरली में कुछ कुछ पॉइंट्स बाबा ने पार्टियों के साथ फिर एक कुछ चार ही पॉइंट बताए हैं, लेकिन देखो कि अपने जीवन में जब अप्लाई करते हैं ना, तब एक भी पॉइंट अगर हम डीप में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा अरे नहीं, मैं अभी तक इतना न्यारा नहीं बना हूँ, फॉर एग्जाम्पल कितना लगाव है मेरे अंदर। तो एक एक पॉइंट के ऊपर हम ये करेंगे, तो सुनते डायरेक्ट बाबा के महावाक्य। तो जैसे बाबा ने बताया ना कि चारों ओर जो रिगार्ड रखना अच्छी बात है ना, तो बाबा ने आज की मुरली का जो कल के साथ कंटिन्यूशन है, चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड के पात्र बनते हैं। अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में, सभी अपने को देखना कि मैं कौन हूँ, भविष्य विश्व महाराजन के रूप में। 2 मिनट देखना सभी को, कि स्वयं को देखना कि मैं कौन हूँ विश्व महाराजन के रूप में। स्पष्ट देखना कि मैं ही कौन हूँ विश्व महाराजन, बाबा बोलते हैं ना हमारा लक्ष्य, क्योंकि हमने रिगार्ड का अच्छी रीति रखा है, तो विश्व की आत्माओं द्वारा भी हमें रिगार्ड मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और अब आ जाना मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में, देखना कि मंदिरों में हमारी ही पूजा हो रही है, लोग हमें ही सम्मान दे रहे हैं कि यही हमारे इष्ट है, यही हमारे देव है। स्पष्ट देखो
रिगार्ड रखा, केवल एक ही बाबा जी ने कहा ना कि बैलेंस रखो, और रिगार्ड का भी बैलेंस। तो अपने आप से देखो कि केवल सम्मान देना नहीं तो सम्मान ऑटोमेटिक मिल भी जाता है। तो देखना कि श्रेष्ठ पूज्य के रूप में हम प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो अपने आप को देखकर फिर इस मुरली में आ जाना, विश्व महाराजन बनने के लिए रिगार्ड भी ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है, इसको अंडरलाइन करना। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है, देना लेना हो जाता है, एक देना और 10 पाना है। सहज हुआ ना? कर्नाटक वाले सदा बाप के स्नेह मूर्त रहते हैं। कर्नाटक की धरनी बहुत सहज है। आगे का वाक्य है बाबा का, भावना के कारण धरनी फलीभूत है। देखो आजकल वृद्धि का भी कारण क्या है? भावना चाहिए। जैसे माताओं के अंदर कितनी भावना होती है, तो भावना के कारण वो और बाबा के नजदीक आते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा कुमारी में माताओं की संख्या ज्यादा होने का कारण एक ही है कि उनकी भावना बहुत बड़ी होती है, और इसके कारण वृद्धि बहुत होती है। तो कर्नाटक की धरनी को सहज संदेश मिलने का ड्रामा अनुसार वरदान है। विशेष आत्माओं में भी इसी धरनी से सहज निकल सकती है, लेकिन अभी आगे क्या करना है? जो भी वृद्धि होती है उसको विधि पूर्वक चलाना। इसको थोड़ा सा सोचना कि वृद्धि होती है, और देखना भी सभी पुराने भाई बहने हैं इसके लिए, तो एक सभी देखना कि पालना का जो पार्ट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी दादी दीदियों ने हमें पार्ट जो हमारी पालना की है, हमें भी सबकी पालना करनी है उसी प्रमाण। लेकिन बाबा ने क्या बोला? विधि पूर्वक चलाना है। ऐसे नहीं कि समझ लो किसी नए उनको हमने सेंटर पे लाया, हमने कभी उसको पूछा भी नहीं क्या चल रहा है, आपको मुरली समझ में आ रही है, कोर्स हुआ है नहीं हुआ है, तो इसका कारण क्या होता है? वो भी बोलता है कि अरे इधर कुछ नहीं बोलते क्या है। तो बाबा बोलते कि विधि पूर्वक उसको बोलो भी, ये रूल्स है, थोड़ा रेगुलेशन भी उसको बताना। तो इससे क्या होता है कि उसको भी इस ज्ञान में आगे बढ़ने में मदद होती है। तो किसी को भी ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा हमें पुश करना पड़ता है। तो इसको बाबा क्या बोलते हैं? जो भी वृद्धि होती है उसको विधि पूर्वक चलाना, किसी किसी प्रोग्राम में उसको बुलाना, टोली खिलाना, ऐसा बड़ों से मिलाना, ये भी क्या है? हमारा फर्ज है कि उसको ज्ञान में थोड़ा आगे चलाने के लिए पहले, क्योंकि जैसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको क्या हाथ पकड़ कर ही उसको चलाना पड़ता है ना, वो खुद तो चल नहीं सकता, ऐसे होते हैं। लेकिन हमें उसका पूरा लाभ लेना है। सर्व शक्तियों के आधार से पालना में सदा महावीर बनाना है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना ही यह विशेष तालानी है। वैसे भोलानाथ के भोले बच्चे वैसे भोलानाथ बाप के भोले बच्चे अच्छे हैं, परवाने अच्छे हैं, बाप दादा को भी पसंद है। अभी बाप पसंद के साथ लोक पसंद भी बनना है। अच्छा, तो आगे बाबा ने लास्ट को हम बाबा को याद कर देंगे। सबसे पहले जो पार्टियों के साथ बाबा ने महावाक्य उच्चारे ना, सभी अपने को होलियंस समझते हो? अभी बाबा ने होलियंस का अर्थ बताया है। होली अंश अर्थात
व्यर्थों को छोड़ समर्थों को अपनाने वाले, वह हंस शीर और नीर को अलग अलग करता है, लेकिन होलियंस अर्थात व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देंगे, समर्थ को अपनाएंगे। इसके लिए आज सारा दिन क्या करना, सारा दिन समर्थ संकल्पों की रचना करना। बेस, जैसे हंस कभी कभी कंकड़ नहीं, कभी भी कंकड़ नहीं चुगेंगे, रतन को ही धारण करेंगे, ऐसे होली हंस जो है सदा बाप के गुणों को धारण करे। किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण न करे, इसको अंडरलाइन कर रखे। किसी को अवगुण को न देखना है, न सोचना है, न वर्णन करना है, बस फुल स्टॉप। हाँ, पता होना अलग चीज है, लेकिन चिंतन नहीं, वर्णन नहीं, किसी के साथ सामने ऐसा है वैसा है कुछ भी नहीं, उसको कहा जाता है होली हंस अर्थात पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा। जैसे शुद्ध आत्मा होगा वैसा ही उसका आहार व्यवहार भी शुद्ध होगा। होली हंस का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध। अशुद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान भी नहीं है। अब होली हंस बनते हो तभी भविष्य में भी हिज होलीनेस कहलाते हो। इसके लिए बाबा ने टाइटल क्या दिया, हिज होलीनेस भविष्य में। लेकिन उसका आधार क्या है, अभी होली हंस बनो। कभी भी गलती से भी किसी का अवगुण धारण न करने वाले, सदा गले में गुण की माला हो। शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं ना, देवताओं के गले में भी माला दिखाते हैं, तो संगम में गुणों की माला धारण करने वालों की यादगार में माला दिखाई है। बाप के गुणों को धारण करते हुए सर्व के गुण देखने वाले हो, तो यह गुण माला सभी के गले में पड़ी है। देखो, बाप के गुणों को धारण करते हुए सर्व के गुण देखने वाले, अवगुण नहीं गुण, इसीलिए देवताओं के गले में क्या दिखाते हैं, माला दिखाते हैं ना, तो ये गुण माला सभी के गले में पड़ी है। अभी गुण माला धारण करेंगे तो भविष्य में वो ही रत्न हीरो वाली माला आएगी। तो गुण माला धारण करने वाले ही विजय माला में आते हैं, तो चेक करना चाहिए माला छोटी है या बड़ी है। जितने बाप के और सर्व के गुण स्वयं में धारण करने वाले हैं, वही बड़ी माला धारण करने वाले हैं। अभी आगे बाबा ने एक और बात बताई, गुण माला को सुमरण करने से स्वयं भी गुणमूरत बन जाते हैं। जो भी गुण है ना, उसको सिर्फ चिंतन करो कि हाँ ये गुण है, इसके अंदर चिंतन करने से भी स्वयं गुणमूरत बन जाते हैं। जैसे बाप गुणमूरत है, वैसे बच्चे भी सदा गुणमूरत है ना। सभी अपने आप को देखना कि बाबा तो है ही गुणमूरत, लेकिन हम भी बाबा के समान गुणमूरत हो। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, सदा कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते, हर कार्य करते न्यारा अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। जितना न्यारा होगा
उसका उसके न्यारेपन की निशानी होगी बाप का प्यारा होगा। बाप के प्यारे कहाँ तक बने हो, अपने आप को देखना कि बाप के प्यारे कहाँ तक बने हो। प्यारे की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः ही आती है, याद करना नहीं पड़ता है। अगर ऐसा अनुभव होता है तो समझो प्यारे है। प्यार की निशानी स्वतः याद, अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कम प्यार। देखो ना, जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार होता है, उसको याद करना नहीं पड़ता है, उसको मतलब घड़ी घड़ी उस बच्चे के प्रति ध्यान जाता है। वे जब छोटा होता है तो क्या कर रहा है, इधर भटक रहा है क्या, भले काम भी करते हैं लेकिन लक्ष्य किधर रहता है, बच्चे की तरह। तो ऐसे बाबा ने क्या कहा, प्यार होता है तो उसकी याद सता ही रहती है, याद करना नहीं पड़ता है। अगर ऐसा अनुभव होता है तो समझो प्यारे हैं। प्यार की निशानी स्वतः याद, अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कम प्यार है। जहां जाए वहां बाप और बच्चों का मिलन ही है। जैसे कंबाइंड होते हैं तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते। अगर जहां जाए वहां बाप और बच्चों का मिलन मिला ही है। तो आज बाबा ने विशेष क्या बात बताई, कंबाइंड रहो। तो ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। जहां जाए वहां बाप ही बाप, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल न हो लेकिन बाप को भूलना मुश्किल हो। दो वाक्य कितना इंपॉर्टेंट है कि याद मुश्किल नहीं होना चाहिए, बाबा ने कहा भूलना मुश्किल हो। दादी भी हमेशा कहते थे ना कि ऐसा लगता है कि बाबा हमसे चिपका हुआ है, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके दिल में बाबा है ना। तो बोलते बाबा को भूलना मुश्किल है। ऐसे बाबा क्यों? क्योंकि इतना उन्होंने कंबाइंड स्वरूप का अनुभव किया है। जैसे आधा कल्प करना मुश्किल था, वैसे संगम पर भूलना मुश्किल हो। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन अभूल, ऐसे पक्के अंगद के समान संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला न सके। संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला न सके, ऐसे ही बाप के अति प्यारे हैं। अपने आप को देखना कि कितनी बार माया आती है, संकल्प में, कभी बोल में, कभी कर्म में। तो स्टार्ट तो करते संकल्प से, फिर बोल में, फिर कर्म में। तो इस प्रकार चेकिंग का। और लास्ट का पॉइंट है, सर्विस में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं है। स्वयं का टेंशन कम हो जाता है, इसके लिए सर्विस में भी कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन पैदा हो जाता है। सर्विस के प्लान के साथ साथ पहले अपना प्लान बनाओ। आज के लिए थोड़ा सा इस बात के ऊपर सोचना कि अपना प्लान बनाना, माना क्या बनाना, कोई तो एक नवीनता करो। कोई भी एक बात को, चाहे ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो। लकीर से बाहर निकल सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। पहले अपने धारणाओं की कमिटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ। देखो बाबा कितनी अच्छी युक्तियां भी दे रहे, मदद भी कर रहे, शक्ति भी दे रहे। तो बाबा ने क्या कहा, पहले अपनी धारणा की कमेटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ, फिर सर्विस वृद्धि को सहज हो पालेंगी। और लास्ट में बाबा ने कहा,
सदा अपने को क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले परमाने समझते हो? परवाने को सिवाय क्षमा के और कुछ सूझता ही नहीं। जैसे परवाने स्वयं को मिटाकर क्षमा में समा जाते हैं, वैसे अपने देह भान के भूल बाप समान बन जाना, इसको कहा जाता है बाप समान बनना अर्थात समा जाना। सारा कल्प तो बीत चुका। देखो बाबा लास्ट के सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, सारा कल्प तो बीत चुका, अब संगम को वरदान है, जो बनना चाहो बन सकते हैं। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर अभी ही खींचते हो, जो चाहो वो भाग के पाना। अपने आप को देखना, खास भगवान क्या बात कर रहे हैं, जो चाहे वो बन सकता है। और बाबा ने कई बार कहा है कि भाग्य की लकीर की जो खींचना है तो खींचो। बाबा को और अच्छा लगता है कि अरे बच्चा बहुत आगे जा रहा है ना, तो जाने दो जाने दो, बाबा और हमको मदद करेगा। तो अच्छा, ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले आज्ञाकारी वफादार, देखो बाबा ने कितने टाइटल दिए, एक एक टाइटल देखकर ना सुनकर ना नशा आना चाहिए कि बाबा ने बोला कि बाबा को फॉलो करने वाले आज्ञाकारी वफादार फरमानवरदार सदा महादानी वरदानी अर्थात विश्व कल्याणकारी। केवल टाइटल सुनना नहीं, अंदर में गदगद होना चाहिए कि मुझे ये करके दिखाना है। विश्व कल्याणकारी है तो विश्व को कल्याण करके दिखाना है। वरदानी महादानी हर आत्मा को रिगार्ड दे, आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ाने वाले, हर आत्मा को रिगार्ड दे आगे बढ़ाने वाले सदा शुभ चिंतक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ठीक है, अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा बोले कि रिगार्ड देकर ही मुझ आत्मा को रिगार्ड मिल सकता है। सर्व को रिगार्ड देना, सब आत्मा को आगे बढ़ाना, यही मेरा कर्तव्य है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस बना रहे तो बाप पसंद होकर लोक पसंद भी बनना है। दूसरे के अवगुणों को नहीं, सिर्फ गुणों को देखना है और व्यर्थ को छोड़ सिर्फ समर्थ को अपनाना है।
अवगुण देखने से मुझ आत्मा में खुद में ही कमजोरी आती है, इसलिए दूसरों के सिर्फ गुणों को ही देखना है और गुणमाला पहननी है। कमल पुष्प समान सर्व का न्यारा और बाप का प्यारा हूं। और बाबा ने पहले भी बताया था, सुबह अमृत वेले ही अपना प्लान बनाकर पूरे दिन का प्लान बनाना चाहिए और अपने भाग्य की लकीर बनानी है। तो मैं आत्मा खुद को फॉलो फादर करूं, आज्ञाकारी और विश्व कल्याणकारी बनूं। ओम शांति। बोलिए मेरी माँ बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को होली हंस अर्थात पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अर्थात व्यवहार में सच्चाई सफाई हो, अपवित्रता का नाम निशान ना हो, जब स्मृति में रहेगा कि हम पवित्र देवताएं हैं, भविष्य में बनने वाले हैं, तो स्मृति भी पवित्र हो, दृष्टि में भी पवित्रता हो, तो वृत्ति कृति ये सब पवित्र हो, कभी गलती से भी किसका अवगुण ना धारण करना। तो अवगुण जब धारण नहीं करेंगे तो क्या सदा गले में गुणमाला दिखाते हैं ना, तो जैसे वो हंस के साथ भी उसके वो एक छोटी सी माला जब चित्र में दिखाते हैं तो माला उसके चोंच में है, तो उसका क्या मतलब है कि उसने सभी के गुण देखे, तो गुणमाला धारण करते हैं जिसका यादगार बना हुआ, तो यादगार है कि शक्तियों और देवताओं के गले में भी गुणमाला दिखाते हैं। तो गुणमाला करने धारण करने वाले ही बाबा ने कहा विजय माला में आएंगे और भविष्य में भी हिज होलीनेस का टाइटल उनको कहलाते हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा हमें सभी के गुण धारण करने हैं, क्योंकि अगर निगेटिव देखा तो इसका मतलब कि हमने वो धारण कर लिया तो हम में फिर कमी होने लगेगी। बोलिए नेक्स्ट बोल सकते हैं जो हैंड रेज हुआ है गैलेक्सी। ओम शांति दी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है किसी की भी अवगुण अर्थात अंकन को धारण न करे, उसको कहा जाता है होली हंस अर्थात पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। ओम शांति। ने कहा जितने बाप के और सर्व के गुण स्वयं में धारण करने वाले हैं, बड़ी बड़ी माता का अंधा माता धारण करते वाले हैं, गुणमाला को सुमिरन करने से स्वयं भी गुणमूर्ता बन जाते हैं। ओम शांति। जी ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। बाबा पूछते खुद को परवाना समझते हो क्या? परवाने जैसे स्वयं को मिटाकर क्षमा में समा जाते हैं, वैसे अपने देहवान को भूल बाप समान बन जाना। बाप समान बनना अर्थात समा जाना। इसे जो और बाबा कहते इस संगम को वरदान दिया है, जो बनना चाहते हो अभी बनना है। भाग्य विधाता अपनी भाग्य की लकीर अभी खींचते हैं, जो अभी भाग्य बनाना चाहते हो अभी ही बनाओ। ओम शांति। जी बोलिए ना बहन जी। शांति हाँ दीदी, बाबा ने आज निरंतर यज्ञ के बारे बोला कि जब हम ब्राह्मण बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए सारे कर्म करते हुए भी सदा बाबा याद में रहे, माना परिवार में कर्म करते समय किसी भी परिस्थिति आए, बातें आए, तो तुरंत बाबा को याद आए, बाबा हमारा याद में आए और बाबा को वो बात या परिस्थिति हम समर्पण कर देंगे तो हम उस परिस्थिति से बच जाएंगे, उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो हम सब बातों से न्यारा, हम बाबा का प्यारा बन जाएंगे।
बाबा को याद करना नहीं पड़ता है, वह अपने आप हो जाता है क्योंकि हम बाबा के साथ कंबाइंड है। क्योंकि बाबा हमको भूलता नहीं, लेकिन हम बच्चे हमारा थॉट, इमोशन, फीलिंग रूपी माया से फंस जाते तो बाबा को भूल जाते हैं। लेकिन हम आत्माएं कभी भी परमात्मा के साथ अलग नहीं है, यह सत्य है। तो बाबा कंबाइंड है, तो कोई भी परिस्थिति या बातें आए तो उसको साक्षी होकर देखेंगे और अंगत समान हम संकल्प करना है कि कोई भी बातें या परिस्थिति हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा से अलग कर नहीं सकता। ओम शांति। जी बोलिए जी। नशी ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा कि हमें स्वयं को और सेवा को बैलेंस करना है। अगर हम स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं करेंगे तो स्वयं का टेंशन कम हो जाने के कारण सर्विस में कोई ना कोई प्रकार के विघ्न व टेंशन पैदा हो जाती है। सर्विस के प्लान के साथ पहले हमें अपने प्लान बनाना है, हमें मनोदाव के लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करना है। अगर हम लकीर से बाहर निकलकर सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। तो पहले हमें अपने में धारणा करनी है और प्लान बनानी है, फिर हम सर्विस में वृद्धि पाल सकेंगे, ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति। तो क्या आपने थोड़ा बताना प्रैक्टिकल क्या प्लान बनाया है क्या? कोई भी बता सकते, सॉरी। ओम शांति। जैसे कि हम कोई सर्विस करते, तो सर्विस करते करते सेवा और अपना उमंग उत्साह उसमें गुम नहीं करना है। मतलब सेवा का और अपनी स्थिति का बैलेंस रखना है। अगर हम सेवा ही करते रहे और अपनी स्थिति बिगड़ जाए तो सेवा नहीं हो सकती, ऐसा मेरा ख्याल है। ओम शांति। बोलिए जी। ओम शांति। माँ कोई भी काम करती है लेकिन उसका ख्याल अपने बच्चों की तरफ रहता है। बच्चा क्या कर रहा है, गिरा तो नहीं है, बराबर खेल रहा है कि नहीं है। वैसा ही हम जब बाबा से कंबाइंड होते हैं तो बाबा हमारा सब ख्याल रखता है और हमें सब संकटों से बचाता है और बाप स्वरूप बनने के लिए हमें भाग्य दिलाता है और प्रेरणादायी बनता है। ओम शांति। शांति, जैसे भाई जी ने अभी प्रश्न पूछा था स्वयं और सेवा में बैलेंस करने के लिए, तो हमें पहले स्वयं को बनाना है। जैसे हम पहले अपने में धारणा करके दूसरों को समझाएंगे तो दूसरों को तीर लगेगी, ऐसे ही हम उनको ज्ञान देंगे तो उनमें छाप नहीं पड़ेगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, पहले आप जो ज्ञान सुनते हो उसको अपने स्वरूप में बन जाओ, तो हम उसमें स्वरूप में बन जाएंगे और अपने में धारण करेंगे तो दूसरे को वो अच्छी रीति अपने में समा पा सकते, समा ले समा सकते हैं और इसे वो बन सकते हैं। और दूसरा, हम जैसे अमृत वेला का योग है, उसको कभी हमें छोड़ना नहीं है और उसको हम सेवा में नहीं लगाना है। जितना जो हो सके सेवा दूसरे टाइम भी हम कर सकते हैं, तो अमृत वेला को स्वयं के लिए हमें रखना है। इसे हम पहले स्वयं और सेवा का बैलेंस रखना है। तो जी आज बाबा ने दो बैलेंस की बात की है। तो जो भाई जी ने शुरू में पढ़ा था, एक था स्नेह और शक्ति का बैलेंस, दूसरा लास्ट में बाबा ने कहा स्वयं और सेवा का बैलेंस। तो इस पे चिंतन करेंगे, क्या आपने समझा स्नेह और शक्ति के बैलेंस क्या मतलब है, किस तरह से उसका बैलेंस करना है?
ओम शांति। जैसे स्वयं का बैलेंस और सेवा का, स्वयं और सेवा का बैलेंस, तो अभी जैसे शिव जयंती पे सेंटर से हम लोग को पर्चे मिले थे कि उस दिन महाशिवरात्रि के दिन सबको मंदिरों में जाके, तो ऐसे नहीं करना है कि सब जो भी भक्त लोग अगर मंदिर के बाहर खड़े हैं तो बस हमको पर्चे बांट देना है कि हमारा काम है पर्चे बांटना, हो गया। नहीं, वो स्वयं का और सेवा का बैलेंस, अर्थात जब हम किसी भाई को 1 मिनट देख के सामने, उसको भी आत्मा देख के, उसकी भी प्रकृति के मध्य और स्वयं को भी आत्मिक स्थिति में रह के, कि वृत्ति हमारी ऐसी हो कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसका भी सब सच्चा परिचय, इसको भी बाप का भी मिल जाए, तो स्वयं को ऐसे जब आत्मिक स्थिति में रह के दूसरे को भी आत्मा देखेंगे, और फिर उसको उसको पर्चे में भी देख के कि देखो ये भगवान शिव शिव का कार्य चल रहा है और शिव के बारे में आपको जानना है तो परमात्मा आ चुके हैं, ये फोन नंबर है, तो इतना करके इस तरह करके पर्चे बांटे थे। तो इस तरह ये स्वयं का भी और सेवा का बैलेंस रखा था। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलू, हाँ जी बोलिए। स्वयं का बैलेंस और सेवा का है कि कई बार क्या होता है, बाबा ही कहते हैं कि जब तुम अमृत वेले बैठते हो ना तो सिर्फ मैं और तुम होने चाहिए, उसके विषय में सेवा के ये करना है ऐसे करना है वो भी हमारे पास नहीं होने चाहिए, हमारे वो संकल्प ही नहीं उठने चाहिए, वहां से पूरा फुल फुल चार्ज होना है। फिर ये भी है कि अगर मैं सेवा कर रही हूँ, शरीर से हम थक गए हैं और आज मैं बहुत घूम के आई हूँ, रात को 12 बजे सो रही हूँ, और मैं सुबह उठ के अगर अमृत वेला पूरा मिस कर रही हूँ या आधा अधूरा कर रही हूँ तो वो भी बैलेंस खराब कर देता है। तो ये बैलेंस हमारे, क्योंकि बाबा कहते हैं पहले अपने में शक्ति भरनी है, हम पूरी तरह से चार्ज होके फिर जब हम सेवा करते हैं तो उसमें सफलता बाबा कहते हैं पूर्ण मिल जाती है। तो ये शक्तियां जब हमारी पूरी, जैसे बाबा ने कहा ना कि सर्व शक्तियों का आधार लेके फिर पालना करनी है, तो फिर उनको महावीर हम बना सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं बाबा के प्यार में, बाबा से प्यार कर रही हूँ सुबह पूरा और पूरा दिन भर, उसको जैसे सबने कहा कि कंबाइन करके चल रही हूँ, तो वो स्नेह वो प्यार है ना जो, वो सामने वाले को खींचेगा। अभी भाई जी बोल रहे थे ना माताओं में भावनाएं ज्यादा होती हैं, सच्ची बात है। और हम माताएं, हमारे में तो प्यार भरा हुआ, किसी से बोलना भी प्यार, देखना भी हमारा प्यार भरा हो, और जो करें वो तो प्यार भरा हो ही हो, तो वो जो है ना सामने वाले को, कमजोर को भी पावर दे देता है, कम से कम अट्रैक्ट कर लेता है, बात कर लेता है, उनको समझा सकते हैं। तो ये बैलेंस मुझे लगता है कि इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान दे के जब हम सेवा करते हैं तो दोनों तरह से अपनी भी प्रगति होती है, दूसरों को भी हम उठा सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा, बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। अभी जो भाई ने बोला कि कैसे करते हो, तो जब हम परिवार में छोटी मोटी कार्य करते हैं तो उस टाइम हमारा स्थिति कैसे बनती है, हम कितना आत्मिक स्थिति में रहकर दूसरों से सेवा करते हैं, पर दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं ऐसे भावना भी नहीं रखना है, सिर्फ करना है। तो बाबा का कार्य है मैं कर रही हूँ, तो इस समझ में करना है, तो हम आत्मिक स्थिति में हम बाबा के साथ भी जुड़ जाएंगे, तो हमारा प्रभाव जो हम कर्म करते करते जो हमारा चाल चलन स्वभाव ऐसे रिफ्लेक्ट होता है कि दूसरे के तरफ, वो समझ जाते हैं कि वो आत्मा किस तरह से हमारे लिए सेवा करते हैं। और बाबा बोलते हैं ना, सिर्फ पर्ची बांटना, माना सेंटर खोलना, किसी को कोर्स कराना, ये सेवा, ये तो सेवा है, स्थूल सेवा है, लेकिन हमको सूक्ष्म सेवा भी करना है। सूक्ष्म सेवा माना हम मनसा सेवा, तो हम जब हम आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा करेंगे ना, तो हमारा वाइब्रेशन दूसरी आत्मा अनुभव करते हैं, तो वो भी बड़ सेवा होता है। तो बाबा इसमें भी हमारा स्वयं का भी सेवा हो जाता है, तो इसमें हम स्वयं की सेवा के साथ दूसरों सेवा का भी बैलेंस रख पाते हैं। ओम शांति। बोलिए अरुण जी।
अपने हैंड रेज किया है, बोल सकते हो। ओम शांति। जैसे अपन बाबा ने जी आज कहे कि सेवा करते समय कभी कभी हलचल की भी स्थिति हो सकती है, हर एक आत्मा के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन स्व का बैलेंस अर्थात मन की स्थिति अचल रहनी चाहिए, उसको अचल रहती भी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बोलिए गायत्री बहन जी। स्वयं का बैलेंस, ओम शांति। स्वयं का बैलेंस और सेवा का बैलेंस कहें तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब तक हमने अपने आप को तैयार किया तब तक हम सेवा सेवा में निकल भी जाते हैं तो शायद वो बाबा के डिसर्विस होगी। क्योंकि अगर हमें ही गुस्सा आया हुआ है या हमें ही बोलने का वो नहीं है और हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो यही कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में यही सिखाया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, और अपने आप को तैयार करने के लिए अगर पापा की श्रीमत पे नहीं चलते हम, अमृत वेला अच्छी तरह करना, नुआ शाम करना, पापा की मुरली का मंथन करना, अगर ये हम सारा कुछ करते हैं तो हमारे सारे दिन की वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है कि हमारी शक्ल को देख के ही लोग सोचते हैं कि इनसे कुछ सुनना चाहिए, और ऑटोमेटिकली वो सेवा हो जाती है और हमसे जो सुनते हैं वो ऑटोमेटिकली बाबा के द्वारा बोला गया ही शब्द होता है और वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और सेवा हो जाती है। ओम शांति। पास पॉइंट ज्यादा भाई जी आप शेयर कर सकते। ओम शांति। अभी जो बहन ने बताया वो सही बात है, अगर सेवा करते करते अगर हमारा बैलेंस खो जाए, अर्थात हम शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, अगर वो हम भूल जाते, प्रेम स्वरूप की जगह हम क्रोध में आ जाते, कहीं बैलेंस हमारा खो जाता है, तो वो सेवा सेवा नहीं। और जो भी अपना जो हम सोचते हैं वो हम समय पर नहीं कर सकते, तो वो मतलब सेवा का बैलेंस हिल जाता है, ऐसा मेरा ख्याल है। ओम शांति। आशा बहन जी आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ जी दीदी, वो सेवा का बैलेंस का एक एग्जांपल था। एक बार एक स्थानीय प्रोग्राम हुआ था तो वहां पर लाखों खर्च करके सेवा हुई थी, फिर बाद में सिर्फ एक ही आत्मा निकली थी। तो बाद में बाबा को पूछा था कि क्यों ऐसा हुआ, तो बाबा ने कहा था कि वहां पर सेवा का बैलेंस नहीं था, सेवा करते हुए वहां पर यूनिटी नहीं था, और वहां सेवा करते हुए जो सेवा करते थे सेवादारी में इससे ज्यादा हुआ था, तो सेवा का बैलेंस नहीं हुआ इसी बाबा ने कहा था, तो सेवा का भी बैलेंस अपना है। शांति। जी ये बहुत अच्छा शेर है अभिजीत भाई जी। इसके बाद हम सबको योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे, उससे पहले फोन लॉन्च कर रहे हैं सभी उसका रिप्लाई। सभी मेन स्क्रीन पर देखे, और जो भी पोल लॉन्च, ये देखो आज मनसा सेवा कितना समय किया, तो सभी अपना अपना लिखे। शायद कल थर्ड संडे था ना, तो सभी ने योग किया ही होगा, इंटरनेट नेशनल योग था ना कल। तो आज का जो होमवर्क है ना, तो आज का होमवर्क हम यही लेते हैं कि बाप के गुणों को धारण करते हुए सर्व के गुणों को देखना है। किसी का भी अवगुण को हम न देखना है, न सुनना है, न उसको चित्त पर रखना है। तो आज सारा दिन इसके ऊपर चेक करो कि मुझे क्या करना है, बाबा के गुणों को देखना है, सॉरी बाप के गुणों को धारण करना है और सर्व के गुणों को देखना है। ट्राई कर करके देखो कि कभी कभी क्या होता है कि गुण देखते देखते अवगुण भी समझ में आ जाता है, फिर चिंतन करते हैं, फिर उसी स्वरूप से देखते हैं। तो कल भी बाबा ने कहा ना, निगेटिव को पॉजिटिव करना, ठीक है। और दूसरा जो अभी सेवा और स्व का बैलेंस बताया ना, तो इसमें खास करके ऐसे सेवा माना ये नहीं जो हम फैमिली में
लौकिक में भी कुछ खाना बनाते या ऑफिस जाते कुछ भी हो, ये भी सेवा है ना, तो उसमें भी क्या बैलेंस हम रखें। ऐसे नहीं कि सेंटर पर जाते वही सेवा है, नहीं, स्व मना फैमिली के अंदर भी वो भी सेवा ही है जो बाबा ने हमें कार्य के लिए निमित्त बनाया है, तो उसमें भी क्या करे जो न्यारा और प्यारा का अभ्यास करे। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा अटेंशन देंगे, और आज सारा दिन में समर्थ संकल्पों की रचना कैसे करें, ये टॉपिक आप सबको दे रहे हैं। जैसे बाबा ने होलियंस बताया ना, तो समर्थ संकल्पों को कैसे हम रचें ताकि व्यर्थ खत्म हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करना कि समर्थ संकल्प क्या होते हैं, कैसे स्वमान का अभ्यास करो, अशरीरपन का अभ्यास करो, कुछ भी करो, मुरली पढ़ो, लिखो, चिंतन करो, लेकिन समर्थ संकल्प बस। तो ऐसे करते करते लास्ट का एक पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि अभी 88, जैसे कल रात को भी हमने बताया था कि 88 शिव जयंती सभी ने मनाई ना, तो एक लक्ष्य रखना है कि ज्ञान में कम से कम मुझे 88 लोगों को लाना है, मुरली तक आकर उनको छोड़ दे देना है, जो भी आपको लगता है ना, कुछ प्लान करो सेवा का कि ऐसी कौन कौन सी आत्माएं हैं कि जिनको और आगे बढ़ाना चाहिए, और पुश करे तो वो ज्ञान में आगे आ सकती है, ऐसे आप थोड़ा उसको नोट करो और उनको थोड़ा सा प्लान बनाओ सेवा का, कि उनको मधुबन लेकर जाना किसी शिविर में, पार्टी में, या विंग की भी बहुत को अभी डेट सभी को पता हो कि ऐसे करते करते उनको थोड़ा और आगे पुश करना। तो ये सेवा खास, बाबा बोलते हैं ना कि आप माला बना के हमें पहनाओ, तो हम 88 लोगों की आत्माओं की माला बाबा को पहनाएंगे। लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर धीरे धीरे काम करना ताकि आपको सफलता आ जाएगी। लक्ष्य अगर कम रखेंगे तो कम होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें गुणों को धारण करना है, और बाद में बताया कि जो भी कुछ समर्थ संकल्प है तो कैसी रचना करें, और सेवा में भी हमें कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसी के अनुसार एक 2 मिनट स्पेशल योग करते हैं जो बाबा ने आज बताया ना कि बैलेंस, जो सभी ने चिंतन किया, पहले देखना अपने आप को। जैसे बाबा ने कहा है कि गुणों की माला धारण करो, तो ऐसे मैं गुणों की माला धारण करते करते मैं देव आत्मा बन जाता हूँ। अभी गुणों की माला है, भविष्य में रत्न जड़ित माला। तो अपने आप को देखो कि मैं सतयुग का संपूर्ण देवता स्वरूप आत्मा, और मेरे गले में माला है हीरे रत्नों की माला। स्पष्ट देखना है स्वयं को, ये किसका यादगार है, क्योंकि अभी हमने गुणों को देखा है, गुणों को धारण किया है, बाबा के गुणों का वर्णन किया है, तो अभी मैं भविष्य में ऐसे गुणवान बन गया। और भक्ति में भी देखो, अपने मंदिरों में देखो कितनी मालाएं लोग लेकर आते हैं, और भले मूर्ति है लेकिन कितने प्यार से पहनाते हैं, फूलों की माला, अलग अलग फूलों की माला। स्पष्ट देखना है कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण भी वही है कि अभी मैंने बाबा से सर्वगुण लिए हैं और सर्व गुणों को धारण किया है। तो ऐसे आपने आपको देखना है कि गुणों को धारण करते करते मैं गुणवान आत्मा बन गया। और सारा दिन में ऐसे स्वरूप को देखना है और बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना, जो भी कर्म करते हैं कंबाइंड बाबा को बीच में लाना,
कि बाबा आपके कारण ही मैं ऐसा बना हूं, बस। तो इस प्रकार स्वयं के स्वरूप को भी देखना है, बीच बीच में अपनी माला को भी देखो कि कितने भक्त लोग माला आकर फूल आकर बरसा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न बन गया। बस अब आ जाओ दो भ्रुकुटी के बीच में। अच्छा, शांति ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, हैव ए नाइस डे। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शुक्रिया शांति। बाबा, ओम शांति भाई जी।